क्या फार्मर प्रोटेस्टर्स को उनकी मांगे मिल सकती है? क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं वो सरकार पूरा कर सकती है? और आखिर किसानों की मांगे हैं क्या? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपका प्रश्न होगा कि किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार। मांगे हैं क्या क्या? फसलों पर MSP चाहिए, 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए, 700 रुपए मनरेगा में 200 दिनों के लिए चाहिए, बिजली बिल माफी चाहिए, डीजल सब्सिडी चाहिए। केवल MSP की यदि बात करें तो 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। यदि किसानों की संख्या देखें तो 15 करोड़ है, इसमें से 2 करोड़ भी यदि पेंशनधारी हुए तो 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन से कुल खर्च होगा 2,40,000 करोड़। मनरेगा का हिसाब बैठता है 21 लाख करोड़। बिजली बिल माफी आदि यदि 200 यूनिट 8 रुपए प्रति यूनिट पर देखें तो लगभग 2,88,000 करोड़ का खर्च आता है। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल सब्सिडी 3,56,500 करोड़ है। 2023 में भारत का पूरा बजट था 45 लाख करोड़, जो कि कुल सरकारी आमदनी से 6% अधिक है, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं। किसान जो मांग रहे हैं उसका अतिरिक्त भार आता है 36 लाख करोड़। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि यदि आप 252 रुपए प्रति किलो गेहूं के MSP को समर्थन दे रहे हैं, क्या आप 300 रुपए प्रति किलो आटा खरीदने को तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत है 18 रुपया किलो, भारत सरकार का MSP है 22 रुपया प्रति किलो, आपके आटे का दाम है 35 से 40 रुपया प्रति किलो। कभी सोचा है कि सरकार किसके पैसे लेकर किसानों से ये फसल खरीदेगी? मूल्य यदि 10 गुना बढ़ता है तो कौन अपनी जेब से इतना पैसा डाल करके खाद्य सामग्रियां खरीदेगा? सरकार यदि घाटा सहकर बाजार में बेचेगी तो घाटा किसका? बात राजनीतिक नहीं है, सामान्य बुद्धि विवेक का है। सोचिए।